हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो आर टॉपिक इज सिख इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट, जो आया था 1985 में। देखिए गाइस, एक्ट के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक्ट किसके लिए था। सो दिस एक्ट इज़ फॉर सिख इंडस्ट्री। सो क्वेश्चन ये उठता है कि सिख इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं। सिख मीन्स बीमार, ऐसी इंडस्ट्री। व्हेन इंडस्ट्री परफॉर्म पुअर, जब कोई इंडस्ट्री परफॉर्म करती है पुअर, गेटिंग लॉस इक्वल और मोर देन नेटवर्थ, उसको लॉस होता रहता है हर फाइनेंशियल ईयर में, जितना उसने पैसा लगाया है उससे ज़्यादा उसको क्या होता है, लॉस होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती हैं, सिख इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन डेब्ट लोन पेमेंट, मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जिनको अपना डेब्ट ऋण चुकाने के लिए तकरीबन 180 डेज का समय लगता है, वो इंडस्ट्री सिख इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ 7 ईयर्स अकॉर्डिंग टू सिका एक्ट के अनुसार, सिख इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन कम से कम 7 ईयर के लिए होगा। मीन्स सिका एक्ट का बेनिफिट केवल वही इंडस्ट्री उठा सकती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 7 ईयर के लिए हुआ होगा। मोस्टली SSIs आर सिख इंडस्ट्री, मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही ज़्यादातर सिख इंडस्ट्री होती हैं। सो ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सिख होने के पीछे, तो चलिए रीजन्स देख लेते हैं। सो देखिए गाइस, दो वजह होती हैं आपकी SSI के सिख होने के पीछे। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल। देखिए गाइस, इंटरनल कॉजेज ऐसे कॉजेज होते हैं जिनके लिए तकरीबन 99% इंडस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल होती है सिख होने के पीछे। फर्स्ट वन इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास में कच्चा माल ही नहीं है, आपके पास में वो ज़रूरी सामान नहीं है जिससे आप इनपुट लगा के आउटपुट में बदल सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इन इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट जो डिसीज़न लेता है, डिसीज़न लेने में डिले कर देता है या फिर अपने डिसीज़न बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले पाता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फिनेंस, मीन्स पूंजी की कमी। देखिए गाइस, कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज विदाउट फिनेंस के नहीं चल सकती है, बिना पैसे के नहीं चल सकती है। तो ऐसे साइज में इन्वेस्टर्स की संख्या लगभग ना के बराबर ही होती है, मीन्स जब भी आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी तो आपके पास में कैपिटल उचित मात्रा में अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनल कॉन्स्ट्रेंट्स, पर्सोनल कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स लेबर, आपके जो भी आपका मैन पावर लगा हुआ है वो इफ़ेक्टिव वे में काम नहीं कर रहा है। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये पर्सोनल कॉन्स्ट्रेंट्स का, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी लेबर पर होती है। SSI लेबर इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अगर वहाँ पर लेबर ही नहीं होंगी, लेबर ही इफ़ेक्टिव वे में काम को नहीं जानती होंगी, तो SSI यकीनन सिख इंडस्ट्री बन जाएगी। चलिए अब एक्सटर्नल कॉजेज देख लेते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो बाहरी रूप से आते हैं और आपकी इंडस्ट्री पर प्रभाव डालते हैं। उसी में फर्स्ट है आपका मार्केटिंग कॉन्स्टेंट, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा है, मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी आपसे कई गुना अच्छी है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो सिख हो जाती है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट। गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट देखिए, वो कॉन्स्टेंट होते हैं जो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, मीन्स ड्यूटी में एड ऑन कर देना, टैक्स में एड ऑन कर देना, जो कि SSI को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिशन, मीन्स आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी पुरानी है, आउटडेटेड है, तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू इंडस्ट्री आती हैं और आपको सिख कर देती हैं। सो गाइज, ये सभी कॉजेज थे जिनकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री सिख हो जाती है, और इन्हीं सिख इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लाई जिसका नाम था सिका, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। सो गाइज, अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिका एक्ट को क्यों लेकर आई। देखिए गाइज, एक ही रीज़न था कि सिख इंडस्ट्री को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाए, उनकी ग्रोथ करवाई जाए, मार्केट में उनको सर्वाइव कराया जाए और साथ ही फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। इसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIFR को इस्टेब्लिश किया, जिसके फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन।
BIFR notified by management of company of their sickness means BIFR sick industry के management के पास जाती है और उनसे report लेती है, देखती है कि क्या वो sick industry है या फिर नहीं है। अगर वो sick industry होती है तो BIFR और साथ ही बाकी institution जैसे कि IDBI, IFCI, ICICI financial assistant provide करते हैं sick industry को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर SSI ही सिक इंडस्ट्रीज क्यों होती है मोस्टली, और गवर्नमेंट SSI की इतनी हेल्प क्यों करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बॉडीज़ गवर्नमेंट ने सेट की हुई हैं जो कि SSI की हेल्प करती हैं समय समय पर। सो, इसका आंसर ये है गाइस कि SSI मेजर रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। SSI इंडस्ट्री की कैटेगरी में वो सभी इंडस्ट्री आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल खादी इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए गाइस, अगर किसी को SSI इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो डोंट वरी, मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये एक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली फॉर UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।